बैग बनाने वाला कारीगर जिसकी उम्र महज 20 साल की है और जिसे आज यमुनानगर के एएनसी की टीम के द्वारा यमुनानगर के पांसरा फाटक के पास ही हिरासत में लिया जा चुका है। इलेक्शनों को देखते हुए यमुनानगर के चप्पे चप्पे पर यमुनानगर पुलिस का कड़ा पहरा है और रूटीन चेकिंग के दौरान आज एएनसी की टीम के द्वारा इस 20 साल के युवक नवाजिश को, जो यमुनानगर के पुराना हमीदा नजदीक खड्डा कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे पांसरा फाटक से धर दबोचा। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि ये इलेक्शनों की घड़ी के चलते 11 ग्राम हेरोइन का जो नशा है कहीं पर किसी को सप्लाई करने के लिए जा रहा था, लेकिन रूटीन चेकिंग को देखते हुए यमुनानगर के एएनसी की टीम के संज्ञान में जिस तरह से नवाजिश की यह जानकारी पहुंचती है, उसके बाद नाकाबंदी के दौरान टीम का गठन किया जाता है और तमाम इन सभी मुलाजमों के द्वारा एक दिन पहले नवाजिश को पांसरा फाटक से हिरासत में लिया जाता है और जिसकी बाइक सहित इसे काबू किया गया है। 11 ग्राम हेरोइन का नशा ये किसी को सप्लाई करने के लिए अपनी बाइक पर बैठकर जा रहा था, लेकिन एएनसी की टीम के द्वारा यमुनानगर के पुराना हमीदा खड्डा कॉलोनी के रहने वाले 20 साल के युवक यानी कि नवाजिश को हेरोइन के केस में हिरासत में लिया जा चुका है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यमुनानगर पुलिस ने अब इरादा ठाना है कि जिला यमुनानगर को आने वाले समय में जल्द से जल्द नशा मुक्त बनाना है और ऐसे में यमुनानगर का एएनसी लगातार दिन और रात के समय नशा तस्करों पर लगाम कसते नजर आ रहा है। नवाजिश स्कूल बैग, पिट्ठू बैग, टूरिस्ट बैग बनाने का काम करता था, अच्छा खासा मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर सकता था, लेकिन 4 महीने पहले इस नवाजिश ने नशे की दुनिया में अपना कदम रखा और नशा सप्लाई करने की शुरुआत की। और ऐसे में इसका क्या रिजल्ट सामने आया कि आज ये नवाजिश जिसकी 20 साल की उम्र है, जिसे यमुनानगर के एएनसी की टीम के द्वारा काबू कर लिया जाता है, हेरोइन का जो नशा है वो 11 ग्राम का नशा इससे मौके पर बरामद किया जाता है। यमुनानगर के एएनसी के इंचार्ज जसविंदर हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार जान लेते हैं जसविंदर जी से कि नवाजिश के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाई जाती है, और सबसे अहम सवाल कि ये नशा कहां से लेकर आया था और कहां इसकी सप्लाई करने जा रहा था। जसविंदर हमारे साथ जुड़े हैं। जसविंदर जी, 20 साल के युवक को आपने हिरासत में लिया है, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, इसके हमारे टीम गठित किया था, एक चेकिंग के दौरान जो है इसको अचानक वहां पे नवाजिश को काबू किया सक्के बिहार पे, जो सक्के बिहार की तलाशी लेकर के तलाशी इसके पास से 11 ग्राम हेरोइन मिली, जिसकी नियमानुसार कार्रवाई की गई और जिससे ये 4-5 महीने से जो है ये काम करता है, ठीक है। जो आगे से जिससे लेकर आता है उसका भी तफ्तीश जारी है, जैसे उसका खुलासा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करके उसको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कोई बाइक भी कब्जे में ली गई? हाँ, इसकी बाइक भी साथ ही जो जिस बाइक पर बेचने के लिए आ रहा था उसको भी काबू किया है। हाँ, तो क्या लगता है कि मेन सप्लायर ये है या इसके पीछे और भी है जिसे ये लेकर आता था, उसको अभी तफ्तीश में जैसे नाम आएगा उसको काबू करके उसके खिलाफ कार्रवाई करके। जसविंदर जी, जिस तरह से आपने नवाज को पकड़ा है, ऐसे में जो इसका दोस्त है जिससे ये नशा लेकर आता था, उसे कहीं ना कहीं भनक तो लग चुकी होगी, तो ऐसे में मुश्किल नहीं होगी इस गुत्थी को सुलझाने? उसको भी जैसे मुखबरी लगाकर उसके पीछे जो है उसको काबू करके उसके भी खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चलिए, धन्यवाद जसविंदर जी। तो यमुनानगर में नशा तस्करों, नशा सप्लायरों की अब बिल्कुल भी खैर नहीं है, क्योंकि यमुनानगर में चप्पे चप्पे पर यमुनानगर पुलिस का कड़ा पहरा है और ऐसे में हमीदा के रहने वाले नवाजिश को 11 ग्राम हेरोइन के नशे के साथ बाइक सहित काबू किया गया है, जो नशा बेचने के लिए कहीं पर जा रहा था। और इसमें ये मेन सप्लायर नहीं है, ये मेन तस्कर नहीं है, क्योंकि ये जिससे नशा लेकर आ रहा था, मानते हैं कि उसे भनक जरूर लग गई है, लेकिन देखते हैं यमुनानगर की एएनसी की टीम के द्वारा कितनी जल्दी उस मेन तस्कर का पर्दाफाश होता है। लेकिन यमुनानगर पुलिस ने अब इरादा बनाया है कि यमुनानगर शहर को जल्द से जल्द नशा मुक्त बनाना है और ऐसे नशा तस्करों का पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है, जो मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ उन्हें मौत की दलदल में धकेलते नजर आ रहे हैं। अगर आप भी इस खबर से सहमत हैं, पुलिस की कार्यवाही से सहमत हैं, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर यह विनती जरूर रहेगी कि आप लोग इस खबर को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ पुलिस की नशे के खिलाफ जब जब जंग शुरू होती है, जब जब अभियान शुरू होता है, उसमें आगे बढ़कर पुलिस का साथ दें, ताकि पुलिस के हौसले बुलंद हो सके और ऐसे ही आने वाले समय में जल्द से जल्द यमुनानगर में पर्दे के पीछे बैठे नशा तस्कर और सप्लायरों का पर्दा फाश हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के एएनसी से मैं मनदीप कौर।
बैग बनाने वाला कारीगर जिसकी उम्र महज 20 साल की है और जिसे आज यमुनानगर के एएनसी की टीम के द्वारा यमुनानगर के पांसरा फाटक के पास ही हिरासत में लिया जा चुका है। इलेक्शनों को देखते हुए यमुनानगर के चप्पे चप्पे पर यमुनानगर पुलिस का कड़ा पहरा है और रूटीन चेकिंग के दौरान आज एएनसी की टीम के द्वारा इस 20 साल के युवक नवाजिश को, जो यमुनानगर के पुराना हमीदा नजदीक खड्डा कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे पांसरा फाटक से धर दबोचा। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि ये इलेक्शनों की घड़ी के चलते 11 ग्राम हेरोइन का जो नशा है कहीं पर किसी को सप्लाई करने के लिए जा रहा था, लेकिन रूटीन चेकिंग को देखते हुए यमुनानगर के एएनसी की टीम के संज्ञान में जिस तरह से नवाजिश की यह जानकारी पहुंचती है, उसके बाद नाकाबंदी के दौरान टीम का गठन किया जाता है और तमाम इन सभी मुलाजमों के द्वारा एक दिन पहले नवाजिश को पांसरा फाटक से हिरासत में लिया जाता है और जिसकी बाइक सहित इसे काबू किया गया है। 11 ग्राम हेरोइन का नशा ये किसी को सप्लाई करने के लिए अपनी बाइक पर बैठकर जा रहा था, लेकिन एएनसी की टीम के द्वारा यमुनानगर के पुराना हमीदा खड्डा कॉलोनी के रहने वाले 20 साल के युवक यानी कि नवाजिश को हेरोइन के केस में हिरासत में लिया जा चुका है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यमुनानगर पुलिस ने अब इरादा ठाना है कि जिला यमुनानगर को आने वाले समय में जल्द से जल्द नशा मुक्त बनाना है और ऐसे में यमुनानगर का एएनसी लगातार दिन और रात के समय नशा तस्करों पर लगाम कसते नजर आ रहा है। नवाजिश स्कूल बैग, पिट्ठू बैग, टूरिस्ट बैग बनाने का काम करता था, अच्छा खासा मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर सकता था, लेकिन 4 महीने पहले इस नवाजिश ने नशे की दुनिया में अपना कदम रखा और नशा सप्लाई करने की शुरुआत की और ऐसे में इसका क्या रिजल्ट सामने आया कि आज ये नवाजिश जिसकी 20 साल की उम्र है, जिसे यमुनानगर के एएनसी की टीम के द्वारा काबू कर लिया जाता है, हेरोइन का जो नशा है वो 11 ग्राम का नशा इससे मौके पर बरामद किया जाता है। यमुनानगर के एएनसी के इंचार्ज जसविंदर हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार जान लेते हैं जसविंदर जी से कि नवाजिश के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाई जाती है और सबसे अहम सवाल कि ये नशा कहां से लेकर आया था और कहां इसकी सप्लाई करने जा रहा था। जसविंदर हमारे साथ जुड़े हैं। जसविंदर जी, 20 साल के युवक को आपने हिरासत में लिया है, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, इसके हमारे टीम गठित किया था, एक चेकिंग के दौरान जो है इसको अचानक वहां पे नवाजिश को काबू किया सक्के बिहार पे, जो सक्के बिहार की तलाशी लेकर के तलाशी इसके पास से 11 ग्राम हेरोइन मिली, जिसकी नियमानुसार कार्रवाई की गई और जिससे ये 4-5 महीने से जो है ये काम करता है, ठीक है, जो आगे से जिससे लेकर आता है उसका भी तफ्तीश जारी है, जैसे उसका खुलासा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करके उसको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कोई बाइक भी कब्जे में ली गई? हाँ, इसकी बाइक भी साथ ही जो जिस बाइक पर बेचने के लिए आ रहा था उसको भी काबू किया है। हाँ, तो क्या लगता है कि मेन सप्लायर ये है या इसके पीछे और भी है जिसे लेकर आता था, उसको अभी तफ्तीश में जैसे नाम आएगा उसको काबू करके उसके खिलाफ कार्रवाई करके। जसविंदर जी, जिस तरह से आपने नवाज को पकड़ा है, ऐसे में जो इसका दोस्त है जिससे ये नशा लेकर आता था उसे कहीं ना कहीं भनक तो लग चुकी होगी, तो ऐसे में मुश्किल नहीं होगी इस गुत्थी को सुलझाने में? उसको भी जैसे मुखबरी लगाकर उसके पीछे जो है उसको काबू करके उसके भी खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चलिए, धन्यवाद जसविंदर जी। तो यमुनानगर में नशा तस्करों, नशा सप्लायरों की अब बिल्कुल भी खैर नहीं है, क्योंकि यमुनानगर में चप्पे चप्पे पर यमुनानगर पुलिस का कड़ा पहरा है और ऐसे में हमीदा के रहने वाले नवाजिश को 11 ग्राम हेरोइन के नशे के साथ बाइक सहित काबू किया गया है, जो नशा बेचने के लिए कहीं पर जा रहा था। और इसमें ये मेन सप्लायर नहीं है, ये मेन तस्कर नहीं है, क्योंकि ये जिससे नशा लेकर आ रहा था मानते हैं कि उसे भनक जरूर लग गई है, लेकिन देखते है यमुनानगर के एएनसी की टीम के द्वारा कितनी जल्दी उस मेन तस्कर का पर्दाफाश होता है। लेकिन यमुनानगर पुलिस ने अब इरादा बनाया है कि यमुनानगर शहर को जल्द से जल्द नशा मुक्त बनाना है और ऐसे नशा तस्करों का पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है, जो मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ उन्हें मौत की दलदल में धकेलते नजर आ रहे हैं। अगर आप भी इस खबर से सहमत हैं, पुलिस की कार्यवाही से सहमत हैं, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर यह विनती जरूर रहेगी कि आप लोग इस खबर को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ पुलिस की नशे के खिलाफ जब जब जंग शुरू होती है, जब जब अभियान शुरू होता है, उसमें आगे बढ़कर पुलिस का साथ दें ताकि पुलिस के हौसले बुलंद हो सके और ऐसे ही आने वाले समय में जल्द से जल्द यमुनानगर में पर्दे के पीछे बैठे नशा तस्कर और सप्लायरों का पर्दा फाश हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के एएनसी से मैं मनदीप कौर।